हमारे मुख से कोई भी ऐसा शब्द ना निकले जो लो एनर्जी वर्ड हो, और लो एनर्जी वर्ड का नुकसान सबसे पहले मुझे ही होता है। मेरे मन को अच्छा नहीं लगता, मेरा मन चारों तरफ नेगेटिव वाइब्रेशंस रेडिएट करता है। सबसे पहले तो एनर्जी मेरे ब्रेन को जाती है, फिर मेरी पूरी बॉडी में फैल जाती है, मेरी बॉडी के हर एक सेल पे उसका इफेक्ट पड़ता है, फिर वायुमंडल में फैलती है, वायुमंडल बनता और बिगड़ता है। किसी स्थान का वायुमंडल कितना पीसफुल होता है, ऐसा मन करता है कि वहाँ बैठे रहो। जैसे जैसे ऐसे स्थान जहाँ पे मेडिटेशन होता है, आश्रम से या फिर मंदिर में आप जाते हैं, तो आपको पीस अनुभव होती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो अपशब्द नहीं बोलते और उससे भी पहले नहीं सोचते, तो वो वाइब्रेशंस रेडिएट होती रहती हैं और वायुमंडल चार्ज रहता है। तो घर पर भी हम ऐसा वायुमंडल बना सकते हैं। आप किसी पहुँचे हुए महात्मा के पास जाते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो तपस्या करते हैं, जो मेडिटेशन परफॉर्म कर रहे हैं, आप उनसे अपने बच्चे को मिलवाते हैं, खुद मिलते हैं, आप उनके चरण स्पर्श करते हैं, तो आप क्या उम्मीद करते हैं? वो आपसे क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे कल्याण हो, सुखी रहो, सफल भाव, ये बोलते हैं ना हम। अगर वो हमसे ये बोल दें बर्बाद हो जाओगे आप, बर्बाद हो, तो आप क्या बोलेंगे? अरे गुरु जी आपने मुझे श्राप दे दिया, तो गुरु जी ने कहा तो श्राप लगा, है ना। लेकिन जब हम खुद को और अपने बच्चों को और आसपास के लोगों को ऐसे शब्दों से बोलकर बुला रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो फिर हम तो अपने मन को खुद ही श्रापित कर रहे हैं ना।